हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सीबीएसई बोर्ड में अक्सर ये प्रश्न आता रहता है और इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स का प्रेपरेशन बनता है और 3 मार्क्स की प्रॉपर्टीज बनती हैं। कभी कभी 2 मार्क्स का प्रॉपर्टी और 2 मार्क्स का प्रिपरेशन आता है और 1 नंबर का 1 मार्क्स का इसका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसका प्रिपरेशन फ्रॉम क्रोमाइट ओर। दोस्तों, क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। इस क्रोमाइट ओर से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन करते हैं 3 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर, एंड दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ क्रोमाइट ओर विथ सोडियम कार्बोनेट इन एक्सेस ऑफ एयर। सो एफ ई सी आर टू ओ फोर प्लस 8 Na2CO3 प्लस 7 O2, इट विल गिव राइज 8 Na2CrO4 प्लस 2 Fe2O3 प्लस 8 CO2। दिस सोडियम क्रोमेट सोल्यूशन वी विल गेट, दिस इज येलो इन कलर, दिस इज येलो कलर सोल्यूशन, एंड दिस येलो कलर सोल्यूशन फर्स्ट इज फिल्टर्ड एंड एस्टिफाइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट विल गिव राइज ऑरेंज कलर सोडियम डाइक्रोमेट। सो एसिडिफिकेशन स्टेप इज द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप, इन सेकेंड स्टेप सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सो दैट इट विल गिव राइज Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। हियर यू विल गेट सोडियम डाइक्रोमेट। दिस सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज ऑरेंज कलर सोल्यूशन, ऑरेंज कलर। दिस ऑरेंज कलर सोडियम डाइक्रोमेट कैन बी कन्वर्टेड इजली इंटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, देयर फोर द लेटर इज prepared by treating the solution of sodium dichromate with potassium chloride. So this sodium dichromate when treated with potassium chloride, then it will give rise potassium dichromate. So third step is conversion of sodium dichromate into potassium dichromate. So sodium dichromate Na2Cr2O7 प्लस 2KCl, इट विल गिव राइज K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। सो ओनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन, एंड what happens mostly we will forget in examination, we becomes unable to balance it। तो इस प्रॉब्लम से निपटने का तरीका है कि आप रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स का जो नंबर आप मोस है, जिसे आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट कहते हैं, उनका रेशियो याद कर लीजिए। जैसे फर्स्ट स्टेप में 4 मालिक्यूल क्रोमाइट ओर, 8 मालिक्यूल सोडियम कार्बोनेट, 7 मालिक्यूल ऑक्सीजन। सो रेशियो यू कैन राइट 4
87 इन द फर्स्ट स्टेप 487 यू रिमेम्बर। अगर 487 अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम के टाइम में जो आप लिखेंगे तो ये रिएक्शन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बैलेंस ना हो, आराम से बैलेंस हो जाएगा 487। सेकंड स्टेप में आप देखेंगे तो आपका रेशियो मिलेगा 2:1, 2 मालिक्यूल सोडियम क्रोमेट और 1 मालिक्यूल ऑफ H2SO4। यहां पर क्या होगा, 1 मोल सोडियम डाइक्रोमेट, 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड। सो यहां रेशियो आपका होगा 12, यहां 21, ये 12 और ये 487। अगर आप इन रेशियो को ही अगर याद रखते हैं तो भी परीक्षा के दौरान इन रिएक्शंस के गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है या नहीं रह जाते। इस प्रकार से आप इनका प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। सो प्रिपरेशन में 3 स्टेप याद करने हैं, तैयार करने हैं आपको। फर्स्ट स्टेप है क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट करना है हमको सोडियम क्रोमेट में। सेकेंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करना है सोडियम डाइक्रोमेट में। और थर्ड स्टेप हमारा है सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। नाउ वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज। सो स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। सो प्रॉपर्टीज हम सारी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जरा उनको हम पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज में हम यहां केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड इज इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इन एसिडिक मीडियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाउ इट विल वर्क, हाउ इट वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इफेक्ट हैपेंस ऑन द अदर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू राइट सिंपली इट इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रांग इट एक्ट एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाई इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन व्हेन इट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। द इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड इज इट एक्ट एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इट्स एबिलिटी टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन इट एक्ट एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड हाउ इट विल वर्क एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी कैन राइट इट, वी कैन प्रूव इट दैट इट प्रोड्यूसेस नेसेंट ऑक्सीजन एंड इट इज ऑक्सीजन प्रोवाइडर एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग एबिलिटी दिस केमिकल K2Cr2O7 एक्ट एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यू सी हियर इफ वी टेक K2Cr2O7 एक्वस सॉल्यूशन एंड इफ वी एड H2SO4 इन इट देन इट विल रिएक्ट लाइक दिस, इट विल फॉर्म K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2O 3SO4 एंड 1SO4। सो टोटल SO4 4, दैट्स वाई वी विल टेक हियर 4H2SO4 एंड बिकॉज ऑफ 4H2SO4 वी विल गेट हियर 4H2। दिस 4H2 रिएक्ट विथ 4 ऑक्सीजन आउट ऑफ 7
here to give rise 4H2O. Now K2 convert into K2SO4, Cr2 convert into Cr2SO4 whole thrice, and this 7 oxygen, out of 7 oxygen, 4 oxygen react with 4H2 to give rise 4H2O, and it will release now 3 oxygen in the form of nascent oxygen. And because of this nascent oxygen, K2Cr2O7 in acidic medium act as strong oxidizing agent. This is very important reaction. This is very important reaction. Because of this reaction, because of its ability in the acidic medium to release nascent oxygen, it acts as a strong oxidizing agent. Then how it will work? It can oxidize. See very carefully. It can oxidize potassium iodide into iodine gas. This K2Cr2O7, this potassium dichromate in presence of acidic medium can oxidize potassium iodide into iodine. It can oxidize H2S into sulfur. Hydrogen sulfide can be oxidized into sulfur by this acidified potassium dichromate. It can oxidize ferrous sulfate into ferric sulfate. This is so strong oxidizing agent. It can oxidize ferrous sulfate into ferric sulfate. It can oxidize oxalic acid H2C2O4 into CO2 gas. So these conversions, it can oxidize this one into this, this into this, and this into this. All these reactions show its oxidizing power. ये सभी चारों reactions आते हैं exam में. इन चारों में से कोई भी तीन reaction आते हैं और 3 marks मिलते हैं. अगर आपसे ये कहा जाए रिएक्शन विथ KI, आपको अगर लिखने के एग्जाम पूछा जाता है, आप अगर इतना ही लिख देते हैं KI ऑक्सीजन गिव राइज I2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो आपको हाफ मार्क्स आराम से मिल जाएगा. आप इतना ही लिख देते हैं कि K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडाइजेज H2S इन टू S, यू विल गेट हाफ मार्क्स इजिली. अगर आपको फुल रिएक्शन लिखना नहीं भी आता है, आप सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट KI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, H2S को S में ऑक्सीडाइज कर देता है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो भी आपको 1 मार्क्स में से हाफ मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं, मिलेंगे. अब बात करते हैं 1 by 1 रिएक्शंस आते हैं. तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ KI के साथ में इसका रिएक्शन. तो जैसे हमने बताया, ऊपर में ही बता दिया है कि क्या करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज KI इंटू I2. तो ये सेंटेंस हम यहां पर आसानी से लिख सकते हैं. नाउ वी विल राइट द रिएक्शन. अब हम रिएक्शन लिखेंगे. मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन है जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिसकी वजह से K2Cr2O7 में ऑक्सीडाइजिंग पावर आती है. तो हर रिएक्शन में, जितने भी 4 रिएक्शन आपको लिखाए गए हैं, चारों रिएक्शन में ये स्टेप कॉमन होगा. तो इसमें आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा, पहला स्टेप लिखना होगा ये वाला स्टेप, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 गिव राइज K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन. देन अगेन यू विल राइट दैट KI रिएक्ट विथ H2SO4 एंड इट गेट ऑक्सीडाइजेज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेप.
जो पहले स्टेप में ऑक्सीजन निकलता है उससे ऑक्सीडाइज होगा, के आई ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनेगा, के आई इंटू आई टू। तो आई टू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टू के आई लेना पड़ेगा। सो यू विल राइट के टू एस ओ फोर, दिस टू के रिएक्ट विद एस ओ फोर गिव राइज के टू एस ओ फोर प्लस आई टू, टू आई मीन्स आई टू निकल जाएगा इधर में, और अब आपका बचेगा एच टू एंड ओ, यू विल गेट एच टू ओ। यू सी इन द सेकेंड स्टेप रिएक्टेंट ऑक्सीजन इज वन मोल एंड द फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज थ्री मोल। तो इन दोनों ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, यहाँ पर थ्री मोल ऑक्सीजन है, यहाँ पर वन मोल ऑक्सीजन है। तो जितना भी ऑक्सीजन यहाँ नेसेंट प्रोड्यूस होता है वो सारा ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमको क्या करना है, इस सेकेंड स्टेप को थ्री से मल्टीप्लाई करना है। ये थ्री ऑक्सीजन था, इसको भी थ्री ऑक्सीजन बनाना है, तो उस पूरे रिएक्शन को क्या करेंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब थ्री से अब हमें इसको ऐड करना है। तो अब अगर इस कैसे ऐड करेंगे, देखिए ये आपका के टू सी आर टू ओ सेवन यहां से प्लस, अब ये टू के आई था, थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो थ्री टू जा सिक्स, तो ये जाएगा सिक्स के आई, ये दोनों ऐड हो गए, प्लस फोर एच टू सो फोर यहाँ था और ये थ्री से मल्टीप्लाई था तो थ्री एच टू सो फोर यहाँ हो गया, थ्री प्लस फोर कितना होगा सेवन एच टू एच ओ फोर गिव राइज। अब देखो यहाँ पर ये होगा थ्री ऑक्सीजन हो जाएगा, थ्री से मल्टीप्लाइड है तो ये थ्री ऑक्सीजन और ये थ्री ऑक्सीजन कट जाएगा, ये रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, ये प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, इक्वल अमाउंट में है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बचेगा आपका के टू एस ओ फोर, अब कितना के टू सो फोर होगा, एक के टू सो फोर यहाँ था और थ्री से मल्टीप्लाई हुआ तो थ्री यहाँ था, तो थ्री प्लस वन कितना होगा फोर के टू सो फोर, फोर के टू सो फोर हो गया, देन सी आर टू एस ओ फोर का होल थ्राइस, ये सी आर टू सो फोर का होल थ्राइस हो गया। देन आपका इस आई टू को ले लेते हैं, आई टू थ्री से मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा थ्री आई टू प्लस फोर एच टू यहाँ है और थ्री एच टू यहाँ है, थ्री एच टू थ्री से मल्टीप्लाई हुआ थ्री एच टू, तो फोर प्लस थ्री सेवन एच टू। अब इस प्रकार से रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पर के टू सी आर टू सेवन प्लस टू एच टू सो फोर मीन्स एच डी फाइट के टू सी आर टू वो सेवन के आई को आई टू में ऑक्सीडाइज कर रहा है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एच डी फाइट के टू सी आर टू सेवन विथ के आई। नाउ सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड प्रॉपर्टीज रिएक्शन विथ एच टू एस। तो जैसे आपको बताया मैंने कि इट ऑक्सीडाइजेज एच टू एस इंटू एस, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेज एच टू एस इंटू सल्फर। सो दिस रिएक्शन वी विल राइट हियर आल्सो, फर्स्ट स्टेप इज कॉमन, मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इसी फर्स्ट स्टेप की वजह से होता है, तो फर्स्ट स्टेप कॉमन होगा, आप फिर से लिखेंगे फर्स्ट स्टेप को, स्टेप को फिर से लिखेंगे के टू सी आर टू ओ सेवन, यही स्टेप सेम लिखेंगे प्लस फोर एच टू एस ओ फोर, देन गिव राइज के टू एस ओ फोर प्लस सी आर टू एस ओ फोर का होल थ्राइस प्लस फोर एच टू ओ प्लस थ्री ऑक्सीजन, ये बनेगा। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, एच टू एस रिएक्शन करना है, सो एच टू एस विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाई एच डी फाइट के टू सी आर टू सेवन इंटू व्हाट, इंटू सल्फर। सो यस कम फ्रॉम हियर एंड एच टू प्लस ओ गिव राइज एच टू ओ, इसमें एच टू एस ओ फोर नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट थ्री ऑक्सीजन है, यहाँ रिएक्टेंट वन ऑक्सीजन है, तो फिर वही काम करेंगे, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले इसी को थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर थ्री ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ थ्री ऑक्सीजन था, कैंसिल हो गया, अब जो बच गया उसको प्लस कर लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे के टू सी आर टू ओ सेवन प्लस, अभी एच टू एस कितना हो गया, थ्री से मल्टीप्लाई है यहाँ से, तो ये होगा थ्री एच टू एस प्लस, अब यहाँ रिएक्टेंट में क्या बचा, एच टू एस ओ फोर, यहाँ तो रिएक्टेंट में कुछ बचा नहीं, तो हो जाएगा फोर एच टू एस ओ फोर गिव राइज, अभी हो जाएगा के टू
SO4 प्लस Cr2SO4 का होल त्रायस, फिर यहाँ होगा सल्फर, 3 से मल्टीप्लाई सल्फर है तो यहाँ लिखेंगे 3S, और यहाँ पर H2O 3 से मल्टीप्लाई है तो 3H2O यहाँ, 4H2O यहाँ, तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7H2O। सो इन दिस वे दिस रिएक्शन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। इन दिस रिएक्शन एच डी फाइड K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज H2S इंटू सल्फर, ये हो गया। अब रिएक्शन नंबर थर्ड है रिएक्शन विथ फेरस सल्फेट। हम लोग पहले लिख चुके हैं यहां पर फेरस सल्फेट को किस में ऑक्सीडाइज करता है, फेरिक सल्फेट में। सो एच डी फाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट इंटू फेरिक सल्फेट। अब इसको हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे देखिए, फर्स्ट स्टेप कॉमन होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप की वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, तो पहला स्टेप तो हम सेम उतार देंगे। ऐसे ही K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 गिव राइज ए सेम K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल त्रायस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब दूसरा क्या है, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट इंटू फेरिक सल्फेट, तो फेरस सल्फेट लेंगे और उस फेरस सल्फेट को में क्या ऐड होगा, H2SO4 तो पहले से पड़ा ही है, तो फेरस सल्फेट गैस ऑक्सीडाइज इंटू फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल त्रायस। तो Fe2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 FeSO4 लेना पड़ेगा, तो 2 FeSO4 में 2 SO4 पहले से था, 1 SO4 यहां से आ गया तो ये हो गया 3 SO4 प्लस हमको ये नेसेंट ऑक्सीजन लगाना था। देखो ठीक है, दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेज, दिस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेप विल ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, तो यहां पर बचेगा H2 एंड वो क्या हो जाएगा H2O। अब हमको फिर वही काम करना है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो स्टेप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 3 ऑक्सीजन हो गया, रिएक्टेंट 3 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट 3 ऑक्सीजन, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमको बाकी सब ऐड कर लेना है, तो क्या ऐड होगा देखिए, K2Cr2O7 प्लस 2 FeSO4 3 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 6 FeSO4 प्लस 4H2SO4 यहाँ है और ये H2SO4 3 से मल्टीप्लाई हो गया था, तो ये 3H2SO4 हो गया, 3 प्लस 4 कितना होगा 7H2SO4। इधर रिएक्टेंट सारे ऐड हो गए, अब प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल त्रायस प्लस अभी Fe2SO4 है 3 से मल्टीप्लाइड है, तो क्या लिखेंगे 3 Fe2SO4 का होल थ्रायस, और यहाँ पर H2O 3 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ 4H2O था, तो 4 प्लस 3 कितना होगा 7H2O। सो इन दिस रिएक्शन ऑल्सो इट इज क्लियर दैट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट इंटू फेरिक सल्फेट। सो दिस इज थर्ड रिएक्शन। नाउ फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4, यू कैन सिंपली राइट COOH एंड COOH। तो इसमें भी वही काम है, पहले बता चुके हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजेज ऑक्जेलिक एसिड इंटू CO2 गैस। सो यू विल राइट फर्स्ट स्टेप सेम, पहले तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट स्टेप है K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 गिव राइज K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्रायस प्लस 4H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। फर्स्ट स्टेप इज कॉमन, नाउ यू राइट सेकंड स्टेप है COOH। दिस ऑक्जेलिक एसिड गेट ऑक्सीडाइज बाय द नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फर्स्ट स्टेप
इंटू CO2। अब देखो यहाँ से एक CO2 तो ये निकल सकता है, एक CO2 ये निकल सकता है, तो कितना निकलेगा, 2 CO2, 2 CO2 प्लस H एंड H, H2 एंड O, क्या होगा, H2O। नाउ अगेन इन द फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज 3 मोल, इन द सेकेंड स्टेप रिएक्टेंट ऑक्सीजन इज 1 मोल, सो दैट सेकेंड स्टेप शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3, सो दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एंड नंबर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन कंज्यूम विल बी इक्वलाइज। तो अगर उनको बराबर करना है तो हमें स्टेप नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, स्टेप नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई हो गया, फिर ऐड कर दीजिए, अब होगा K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया स्टेप नंबर 2 को, तो ये आपका हो जाएगा 3COOH COOH टू गिव राइस K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस, अभी 2 CO2 था, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 6 CO2 हो गया, और यहाँ 4H2O था, यहाँ पर H2O 3 से मल्टीप्लाई है तो 4 + 3 कितना होगा, 7H2 होगा, और ये 3 ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, 3 ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि HD5K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज ऑक्सीलिक एसिड इंटू CO2 गैस। सो आउट ऑफ दीज 4 केमिकल रिएक्शंस 3 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, 3 विल कम। तो इन चारों में से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये 3 आते हैं, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इधर से बन जाता है। कभी कभी इन चारों में से कोई 2 क्वेश्चन आते हैं तो नंबर का मिल जाता है आपको, और इस प्रकार से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का जो है क्वेश्चन यहाँ से बनता है और लगातार परीक्षाओं में आता रहा है CBSE के। तो आप लोग इनको तैयार करें और अच्छे तैयारी करें। गुड लक, थैंक यू।